पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सर आज कहाँ पहुँचे हैं और किस चीज का निरीक्षण किया गया आपके द्वारा? देखिए, आशियाना जो प्राधिकरण की योजना है उसके अंतर्गत हमारा पहले से एक अम्बेडकर पार्क करके एक जगह है जो कि पहले आम के बगीचे के रूप में था। इसको प्राधिकरण ने डेवलप करने का निर्णय लिया है। इसको हम लोग अम्बेडकर नेचर पार्क कम लाइब्रेरी के रूप में इसको डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ की जा रही हैं जिससे कि यहाँ के जो बाशिंदे हैं इस क्षेत्र के और इनफैक्ट पूरे मुरादाबाद के लोगों को एक अच्छा थीम पार्क यहाँ देखने को मिलेगा जिसमें जो है नेचर की प्राथमिकता होगी, प्राकृतिक छाया में, प्राकृतिक जो है वातावरण में उनको सुबह का जो व्यायाम है उसका लाभ, उसके साथ साथ जो है बच्चे बूढ़े जवानों सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए यहाँ पर सुविधाएं हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो चाहे वो हमारा योग का एक डेडिकेटेड स्थल हो, यहाँ पर हम लोग फाउंटेन बना रहे हैं, ओपन एयर थिएटर बना रहे हैं, कई सारे फूड कियोस्क हैं, पियाजा है, बच्चों के खेलने की जगह है, ओपन एयर जिम है, बच्चों के झूले हैं, बहुत सारे प्लेग्राउंड्स हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हम लोग लेकर के आ रहे हैं। पूरा एक वॉकिंग ट्रैक है करीब करीब 2 किलोमीटर के आसपास की, उसमें जो ट्रैक बना रहे हैं। इसके अलावा कच्चा रनिंग ट्रैक भी है जो कि करीब 800 मीटर की लंबाई का है। तो कुल मिलाकर के जो मुरादाबाद में काफ़ी समय से एक कमी फील की जा रही थी कि एक अच्छा ओपन स्पेस नहीं है, एक अच्छा पार्क नहीं है, तो उसकी कमी को पूरा करने के दृष्टिकोण से ये पार्क एक अच्छे रिलीफ के रूप में यहाँ के निवासियों को मिलेगा। सर कब तक उम्मीद मानी जाए? सिविल वर्क लगभग पूर्ण होने की ओर है। वर्तमान में जो हॉर्टिकल्चर का काम है वो प्रारंभ हो चुका है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि नए साल में जो यहाँ के सुबह मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनके लिए कम से कम पार्क को खोल दें। कुछ कार्य जो बचेगा तो उसको हम लोग जनवरी के एंड तक पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और अपनी फुल ग्लोरी में ये पार्क जो है अधिकतम फरवरी के अंत तक खत्म होना चाहिए। तो जब अगली बसंत ऋतु है तो संभावना ये है कि पार्क अपनी फुल ग्लोरी में जो है हम लोग जनता को डेडिकेट कर पाएंगे। मुरादाबाद की जनता से क्या कहना चाहेंगे इस बात? काफ़ी लोगों से हम लोगों ने फीडबैक लिए और लोगों में बड़ा उत्साह देखने को भी मिला कि इस तरह की कोई चीज़ प्राधिकरण के द्वारा क्रिएट की जा रही है। तो मैं जनता से अपील करता हूँ कि लगभग 1 महीने के पेशेंस के बाद में उनको जो है ये स्वास्थ्य लाभ करने का यहाँ मौका मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच करके यहाँ का स्वास्थ्य लाभ उठाएं और साथ साथ जो है अगर उनकी तरफ से भी कोई सजेशन वगैरह आएगा तो हम लोग उसको भी इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास करेंगे। किसी प्रकार की विशेष ज़रूरत जो यहाँ के लोगों को फील होती हो कि इसमें ये भी होना चाहिए तो हम लोग उसको जो है, लेकिन कोशिश हमारी ये है कि इसको नेचर पार्क के रूप में मेंटेन रखा जाए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।